हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉइन कॉइन की एक्सपेक्टेशन बहुत लोग की है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने टूल रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, मैंने अभी स्लेंडर 3D ले लिया, ठीक है। टी प्रेस करता हूँ, एक्टिवेट कर देता हूँ सेफ स्टेप्स, ठीक है। अभी इसमें क्या है, कुछ में बस चीज़ें ऐसी होती है जिसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। मैनेज करने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे आप इनिशियलाइज पे जाओगे तो इनिशियलाइज में यहाँ पे देखो साइज देखते हैं, एक्स को यहाँ पे कर दिया, वाई को ऐसे कर दिया मैंने, जेड को ये कर दिया मैंने, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पर नजर आया, तो अभी यहाँ पर मैंने कर दिया, चलो इसे मैंने कर दिया 10, ठीक है, पर टाइमिंग, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स को देखो, जैसे यहाँ पे डिवीजन 32 है तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। वी डिवीजन देखो, यहाँ पे आपका ये डिवीजन भी है तो, ठीक है। आपका टेपर टॉप है, ठीक है, नहीं मैं कैप्स बढ़ा रहे हैं, कैप्स में देखिए सेगमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। ये हमने बेसिक सेगमेंट हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। आप यहाँ पे चूहे को मैनेज करके फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो हमने चीज़ों को ऐसे मैनेज करेंगे। यहाँ पर मैं चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पे तो मैंने क्या किया, इसे मेरे जो मेक पॉल में 3D करना है पहला काम, स्विफ्ट एफ पे गया। अब यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने थोड़ा सा इन दोनों पार्ट में लगे कंट्रोल स्विफ्ट करके मैंने ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। मुझे चाहिए ग्रुपिंग समझ, जैसे यहाँ पे देखो अभी सिलेक्शन के पास कई तरीके हैं, जैसे मैं देखो एक सिलेक्शन यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे सर्कल लिया, तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे देखो सर्कल भी आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देन यहाँ पे रेक्टेंगल है, स्लाइस सर्कल है, कटिंग करने के लिए भी है, ठीक है। देन आप यहाँ पे मास्किंग पे जाते हो, तो मास्किंग में क्लिक करो, देन यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सिलेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ देखो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे करो तो बस ऐसा आ रहा है, एंड देन आप कंट्रोल प्रेस कर देखा, दिख रहा है ये सर्कल, आप यहाँ से ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डिवीजन चाहिए होता है। तो मैं फिलहाल में इसको ईजी वे में आपको बताता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे अभी फिलहाल में मुझे क्या चाहिए, रेक्टेंगुलर देखें यहाँ पर, मैं चीज़ों का कैसे मैनेज करता, तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पर सिलेक्शन में देखिए, यहाँ पर देखें यहाँ पर, तो पहले तो मैं कलर यहाँ पे मैनेज कर देता हूँ, यहाँ बेस मटेरियल ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन कंट्रोल शिफ्ट करके यहाँ से पार्ट मैंने लिया, यहाँ देखो कंट्रोल W प्रेस कर, देन कलर चेंज हो जाए, ठीक है। देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे भी ये काम आप कर सकते हो, आप ये सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, देन आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो कंट्रोल W कर दो, देखो यहाँ पे तीन कलर आपके हो गए, ग्रुपिंग का काम हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया कंट्रोल D, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने क्या किया कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया, पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एंड शिफ्ट बाहर क्लिक कर दिया आप, यहाँ पे ये पार्ट आएगा, कंट्रोल एंड क्लिक करो इनवर्स सिलेक्शन। यहाँ पे मेरे ऑप्शन क्या होते हैं, देखो इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफ्यूमेशन यहाँ पे होता है आपका, इन्फ्लेट होता है, देखो आप यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे इन्फ्लेट है, देखो इन्फ्लेट ये बाहर जा रहा है, ठीक है। मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं उसे अंदर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है। तो अगर आपको इन्फ्लेट ऐसा करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अंदर की तरफ दिख रहा है, इम्पैक्ट आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ये अंदर की तरफ आपके पास चीज़ें आ जाएंगी, आप जो कैसे मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अंदर की तरफ करना है, ठीक है, ये मैंने अंडू कर दिया यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दिख रहा है, एंड देन यहाँ पे दोनों तरफ में अगर मैं मैनेज कर देता हूँ, दिख रहा है, मैं दोनों को मैं लेके जा सकता हूँ। तभी मेरे पास यहाँ पे क्या कंट्रोल एंड शिफ्ट इस पर क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ देखो पूरा का पूरा पार्ट नजर आ रहा है, देखो डिस्प्ले सॉल्व करना पड़ेगा ताकि मुझे दोनों तरफ दिखे, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में क्या मैंने यहाँ पे डबल कर दिया तो दोनों तरफ दिखे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया कंट्रोल शिफ्ट, ये देखो आ रहा है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखा, ये मैंने कर दिया ये पार्ट दिख रहा है, एंड कंट्रोल एंड क्लिक देखो यहाँ पे, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, सिलेक्शन दे दिया मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंड शिफ्ट, इसको गैप कर दिया, देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को कंट्रोल W कर दो तो एक ही कलर हो जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। तो वैसे भी काम कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया कंट्रोल एंड शिफ्ट, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, दोनों को मास्क कर दिया यहाँ पे, अपोजिट आ गया। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिफॉर्मेशन पे गया, डिफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने मैनेज कर देना है, इन्फ्लेट कर देना है। अभी इन्फ्लेट में देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो इसमें बड़ा कर दूँ, ठीक है, ये दो समय बहुत बड़ा हो रहा था यहाँ पे, चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे इन्फ्लेट, ठीक है। इन्फ्लेट बलून भी होता है, देखो दिख रहा है, बलून आपको देते हैं कोई ना आपका राउंड भी आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे भी काम कर सकता है आप यहाँ पे, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे। अभी इन्फ्लेट बलून मैंने इसको अंदर तरफ कर दिया यहाँ पे, देखो बेसिक पार्ट में बस यहाँ पे भी देखेगा, तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, गॉट इट, ऐसे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन चीज़ों को मैनेज करना है, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। स्विफ्ट एफ यहाँ पे मैंने कर दिया, तो पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ, आप चीज़ों को फुलफिल करना चाहूँ
तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सेट कर दिया और मैंने क्या कर दिया, डिवीजन देना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे अभी फिलहाल में क्या काम करना है, बेसिक से सी बना देता हूँ, शिफ्ट एफ कंट्रोल डी, डिवीजन डिवीजन डिवीजन। अभी मैंने देखो यहाँ पर मैं एक अच्छा सा इम्पैक्ट देखा यहाँ पर, ठीक है, ये पैटर्न मैंने दिया। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने क्या किया ट्रांसफॉर्म पे गया, ट्रांसफॉर्म में क्या एक्टिव सिमेट्री किया, अभी यहाँ पे एक्स नहीं वाई और वाई नहीं तो जेड देखो, देख रहे हैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में गया आर पे गया देखो, देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पे गया राउंड ऑफ, मैंने 60-70 जो मेरे हिसाब से राउंड ऑफ ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे देख रहे हैं। अभी इसके बाद यहाँ पे क्या काम करने वालों, जैसे मैंने यूज़ किया पेन टैबलेट, ब्रश का साइज छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मैं देखो यहाँ पे देखा ये पार्ट है, देखा अभी मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर, मुझे भी लगता है ये पार्ट में बस यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ पे। तो अभी यहाँ पे फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर निगेटिव कर देता, तो ये निगेटिव करने पर देखो ये पार्ट आपको यहाँ पे देखा बाहर से कॉइन का इम्पैक्ट आपको देखा है, आप ऐसे भी दे सकते हो, देखना पे ये मैनुअल आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। अभी आते हैं कॉइन के अंदर, अभी कॉइन के अंदर आते हैं तो मुझे कॉइन के अंदर क्या चाहिए, जैसे बेसिक्स मैंने यहाँ पर कॉइन बना दिए सेव टाइप, ये आपको बेसिक्स इम्पैक्ट देख रहा है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ फाइल पे गए सेव एस, मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने कर दिया यहाँ पे जेड बस में गए, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कॉइन, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉइन दे रखा था कॉइन पे जाता है कॉइन कर दिया सेव कर दिया। अभी एक बार हम लोग आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया मैं आता हूँ मोदी जी पे, मोदी जी हमने लास्ट टाइम जो किया था उस पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए हमने क्या किया मोदी जी को लिया, मोदी जी का मैंने यहाँ पे 6.1 वाला पार्ट लिया यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया इसमें काफ़ी चीज़ें। अभी ये पैटर्न हमने बना दिया, बटन हमने शायद सेट कर दिए थे, ये मैं स्पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अभी इनको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनको चीज़ों को मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से मेरे से एक ऑप्शन होता है जिससे बोलते हैं अल्फा, अल्फा पे गए यहाँ पे ग्रैब डॉक्यूमेंट होता है, ग्रैब डॉक्यूमेंट ये आपका अल्फा आ गया, आप चाहो तो इसे निकाल के मैनेज कर सकते हो, मेरे पास जो साइज है मैं इसको मैनेज करके एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो एक्सपोर्ट मैंने कर दिया यहाँ पे, कहाँ गया यहाँ से गए हमने कॉइन पे यहाँ पे कर दिया मोदी जी ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। वापस आता हूँ मैं बस कॉइन वाले पार्ट पे, जैसे मैंने क्या किया फाइल को मैंने कर दिया ओपन, ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं देखना यहाँ पे कॉइन को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे जाओ ट्रांसफॉर्म को जाके यहाँ पे कर दो आप, यहाँ पे इसको ऑफ कर दो, ये वाई है ये सब, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है शिफ्ट एफ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट मुझे इन दोनों को अलग अलग करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कंट्रोल एंड शिफ्ट एफ कंट्रोल एंड डब्ल्यू कर दिया, यहाँ पे देखो कलर चेंज, यहाँ यहाँ पे देखिए दोनों अलग कलर आ गए, तो मैं कंट्रोल एंड शिफ्ट इस पर क्लिक कर दिया, मेरे पास ये पार्ट देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल सेलेक्ट करो, सिलेक्शन दे दिया, कंट्रोल एंड शिफ्ट पूरा आ गया, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करो इनवर्स सिलेक्शन हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं चीज़ों को ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी ड्रैग करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बस ड्रैकिंग का पार्ट यहाँ पे आ गया, ड्रैग आ गया यहाँ पे, और देन मैं यहाँ से चीज को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बस यहाँ पे चीज़ देखेंगे, मैं यहाँ पे चीज़ों का मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी डिवीजन थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, डिवीजन कम है तो यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या अंडू किया बीस सेलेक्ट कर दिया, फिर से मुझे यहाँ पे देखो यहाँ पे डिवीजन कितना है, जैसे मैंने देखा यूआई पे गया यहाँ पे डिवीजन चार ही है, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैं आप थोड़ा सा यूआई पे चेंज करके देता हूँ, देखो यहाँ पे आपको एक्टिव कितना है 2 लाख जितने ही है, मैंने अभी डिवाइड किया और डिवाइड किया 3 मिलियन एंड अप्रोक्सीमेट 6 मिलियन के आसपास में, जितना सिस्टम की कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से काम करना है, तो पता चले आपको सर हमने किया तो सही लेकिन हमारा काम हुआ नहीं, देखो अब यहाँ पे क्वालिटी आपको थोड़ा बेटर मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये देखा आपके पास यहाँ पे आप इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर सकते हो, आपको यहाँ पर चाहिए कैसे देनी, अब देखो दोनों तरफ आ गया, अरे वो दोनों तरफ नहीं चाहिए, अंडो किया मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंड शिफ्ट, ये समझना इसलिए मैंने प्रोसेस फॉलो किया, देखा ठीक है। अब यहाँ से मैंने इन्वर्स करके मैंने क्या कर दिया मास्किंग कर दिया कंट्रोल एंड शिफ्ट, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पर आ गया, अभी अगर मैं सब जगह मास्क है तो मैं पीछे की तरफ नहीं आने वाला है, अभी अगर मैं यहाँ चीज़ों का मैं मैनेज कर दूँ, मैंने कहा भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो मैं बस ये चीज़ें यहाँ तक मैं दे सकता हूँ, नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका जो डेप्थ आएगा वो डेप्थ आपका ऐसा आएगा, तो हमने जो काम किया वो काम इसलिए किया ताकि मुझे यहाँ पर डेप्थ नजर आएगा, यहाँ पर कम से कम चीज़ में डेप्थ आपका बहुत बढ़िया यहाँ पर दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। ये डेप्थ आ गया, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ तो मेरे से एक पैटर्न यहाँ पे दिखता है कि भाई मैंने यहाँ पे काम किया, तो एक प्रोसेस मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट सपोज जेट प्लगइन पे गए, ठीक है, यहाँ पे गए जेट प्लगइन पे जाकर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट मिलता है तो मैं यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे न्यू टेक्स्ट में क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा मोदी जी, ठीक है, तो मोदी जी को मैंने यहाँ पे कहा मोदी जी, टाइप नहीं हो रहा,
क्योंकि कैप्स ऑफ करते हैं, मोदी जी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सिर्फ मेरे पास यहाँ पे काम नहीं हो रहा, तो मैं कैप्स ऑन करके एम ओ मोदी जी कॉइन सी ओ आई एन कॉइन कर दिया मैंने यहाँ पे, देन प्रेस एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको ना टेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे ये टेक्स्ट दिखा, तो मैं यहाँ पे चुके मैं मैनेज कर सकता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास यहाँ पे पार्ट यहाँ पे ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया टेक्स्ट को सब टूल में गया, यहाँ पे हमने इन चीज़ को मैंने उठाया और पकड़ा, मैंने कहा भाई काम करो। ये मैं यहाँ पे मैंने दिया रोटेशन, रोटेशन पे गए और मैंने यहाँ पे चूल्हे को मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे मैं देखा यहाँ पे ये यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या मैं इसको रोटेशन दे भाई इधर से इधर आ जाओ, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ पे मैं चूल्हे को मैं मैनेज कर सकता हूँ पे, ठीक है। नहीं यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखा मैं यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मैं कौन सा इसको दोस्तों मैं मैनेज भी कर लूँगा यहाँ पे। स्केलिंग दिख रहा है देखो, स्केलिंग यहाँ पे आप यहाँ पे देखो यहाँ पे रोटेशन प्रॉपर आपको आना चाहिए, आप रोटेशन आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, थोड़ा मैनेज कर देना पे देखना यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे कर दिया, यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ से मैंने क्या किया यहाँ पे मेरे क्या होता है जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे किया और मेरे पास यहाँ पे क्या बैंड आर्क है, बैंड आर्क में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो अपने बैंड कर देने, बैंड हो रहा है यहाँ पे बैंड आपने कर दिया, बैंड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है चूँकि को मैनेज करना, तो मैंने ऑफिस गिज़्मो 3D पे आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे स्केल कर देता हूँ, यूनिवर्सल स्केल कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, यूनिवर्सल स्केल कर देंगे तो मैं चूहे को तो थोड़ा मैनेज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे किया ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, देन इसको देखो यहाँ पे हल्का सा मुझे कहीं लगा रोटेशन दिक्कत हो आप यहाँ पे दोस्तों मैनेज कर सकते हो, देखो यहाँ पे रोटेशन दोस्तों बैलेंस कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया, मैंने कहा ओके दिस इज गुड, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ स्केलिंग कर सकता हूँ, ये मैंने स्केलिंग कर दिया और देन मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं चीज़ों को देखो तो मेरे पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड मेरे को मिलेगा, मैं यहाँ पे दोस्तों स्केलिंग भी कर दूँगा तो स्केलिंग में मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे आप कुछ ये देखेंगे अभी यहाँ से भी चीज़ों को मैं मैनेज करना है तो मेरे पास एक डेप्थ निकल जाएगा, बहुत बड़े डेप्थ हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हो, तो एक मेरे पास एक प्रोसेस ही हो जाएगा जहाँ पे मैंने दिखाया है, वह मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन को मैंने दिखाया, मेरे पास एक गोल्ड कॉइन है और मैं चीज़ों का मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ अगर आपको लगता है कंट्रोल डी डिविजन से अगर मैं देता हूँ मोदी जी कॉइन पर, मैं थोड़ा सा डिविजन दे रहा हूँ, डिविजन देखो यहाँ पे कैसे खराब से हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी मैं ट्रेजरी में होता है SMT ऑफ कर दो, डिवाइड करो एक बार दो बार डिवाइड करो, अब डिवाइड करो तो आपका यहाँ पे राउंड देखे तो आपको चीज नजर आएंगे, तो आप इस टाइप से आप कॉइन को बना के दिखा सकते हो। देखो मेरे पास यहाँ पे कॉइन आपके पास यहाँ पे आ गया, आप चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो, तो बीपीआर एंटर करो आपके पास एक चीज रेडी हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा मेरे पास मास्किंग के साथ दिख रहा है यहाँ पे, फिर से एक बार कर लो रेंडर, तो आप यहाँ पे काम करो तो आपके पास यहाँ पे एक रेंडर रेडी हो जाएगा।